वी जस्ट हैव ऑर्डर पनीर टिक्का मसाला, टेस्ट काफी अच्छा है और हम बहुत समय से यहाँ पे आ रहे हैं। पनीर मसाला एंड रोटीज, इट्स अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट। पनीर टिक्का मसाला ऑर्डर किया है और अच्छा है। रेस्टोरेंट ऐसा है मुंबई में जो ब्रिटिश टाइम से यहाँ पे खाना सर्व कर रहा है। पहले मैं आपको इसकी लोकेशन बता देती हूँ। सो मोती टॉकीज गिरगांव और ICICI बैंक जो गोल्ड रिवर ब्रांचेस के एग्जैक्टली ऑपोजिट में है रेस्टोरेंट। तो मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है ये और जो भी अलग अलग क्यूजिन्स यहाँ पे मिलती है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिनका टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा है। और खास बात यह है कि प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है तो इसके लिए आप बेधड़क यहाँ पे आके खा सकते हैं। बहुत सारे गुजराती हैं, जैन लोग भी यहाँ पे आके खाना पसंद करते हैं। तो चलते हैं गोकुल प्योर वेज में और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अंदर अवेलेबल है। आइए। और बहुत ही स्पेशियस रेस्टोरेंट है ये, सिर्फ इतना ही नहीं जितना आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर की तरफ भी यहाँ पे सीटिंग बनाई हुई है और इस सामने की तरफ आप चलोगे तो AC सेक्शन भी यहाँ पे है। लुक एट द साइज ऑफ दिस बटाटा वड़ा एंड सो टेम्पटिंग दिस इज। इतने टाइम के बाद में इतने बड़े साइज का बटाटा वड़ा हमने देखा है और देखते ही मैंने सोचा कि ये तो मुझे खाना ही है। एकदम गरम गरम है और लिटरली मुंह में पानी आ रहा है दोनों चीज़ें देख के। सो फर्स्ट आई वांट टू ट्राई द बटाटा वड़ा ओनली। इसका जो मसाला है अंदर ये भी काफ़ी टेम्पटिंग दिखाई दे रहा है। तो तड़का में यूज़ किया है करी पत्ता, हरी मिर्च, देयर्स राई, हल्का सा जीरा भी मुझे दिखाई दे रहा है एंड आई थिंक देयर्स उड़द की दाल। और ये जो क्रिस्पी वाला पार्ट आ जाता है ना वड़े में, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सो पहले ऐसे ही खाने वाली हूँ, कोई चटनी की ज़रूरत नहीं है इसके साथ में। जितनी एक्साइटेड मैं थी ना इसको खाने के लिए, उससे भी ज़्यादा इसका टेस्ट है। कड़ी पत्ते की बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है इसके अंदर और जो मसाला बनाया है ना, आलू लहसुन का जो प्रपोर्शन है जिसकी आलू की सब्ज़ी में, बिल्कुल सही है। मीडियम स्पाइसी और जो ये कवर है ना बटाटे वड़े का, एकदम क्रिस्प है, ना पतला है ना मोटा है, थोड़ा सा थिक है बट वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो ओवरऑल 10/10। नमस्ते। रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट ब्रिटिशर के टाइम से है एंड सिंस पोस्ट 84 काफ़ी सारा चेंजेस हुआ, काफ़ी सारा इंट्रोडक्शन हुआ। स्टार्टेड विद थाली, फिर उसके बाद एक 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 क्यूजिन बढ़ते गया। प्रायर टू दैट वो साउथ इंडियन क्यूजिन था एंड अभी पूरा मल्टी क्यूजिन हो गया है। नॉर्थ इंडियन है, साउथ इंडियन है, चाइनीज़ है, पाव भाजी है। ये जो मसाला डोसा है ना, ये भी बहुत ही क्रिस्पी दिखाई दे रहा है। सो इसकी भाजी सेंटर में है तो वहीं से इसको हम ट्राई करने वाले हैं। तो रेगुलर जैसे आपको यूजुअली मिलेगा वैसा ही आलू की सब्जी का भी टेस्ट अच्छा है। एक्चुअली बटाटा वड़ा पहले खा लिया ना तो मुझे ऐसा लग रहा है पहले भी यही खाती हूँ। तो एक बार चटनी ट्राई कर लेते हैं इनकी। एकदम फ्रेश कोकोनट चटनी है, इसमें भी मुझे उड़द की दाल दिखाई दे रही है, राई दिखाई दे रही है तड़के में। हल्की सी तीखी है बट अच्छी लग रही है काफ़ी। एंड लेट्स ट्राई द सांभर टू। सांभर इज अमेजिंग, बहुत ही अच्छा, एक ऑथेंटिक एक साउथ इंडियन सांभर जैसा होता है वैसे ही टेस्ट आ रहा है इसका। मैं स्नैक्स का ही आइटम खा चुकी हूँ, वो भी उनका बहुत अच्छा है और जो लंच का आइटम्स है वो भी बहुत अच्छा है। उनके थालीस मतलब पूरी थालीस वगैरह भी बहुत अच्छी है। वो पनीर टिक्का मसाला किया है और जो पूरी और नान ऑर्डर किया है बहुत अच्छा है। और एक जो रनिंग आइटम है वो पाव भाजी है, लोगों को बहुत पसंद आता है आपका पाव भाजी। और नॉर्थ इंडियन में बोलोगे तो हमारा एक डिश है जो पनीर पटियाला है जो काफ़ी फेमस है, जो पीपल स्पेशली कम नियर फॉर दैट। मैंने यहाँ का पाव भाजी और सुबह मैं रेगुलर में यहाँ पे इडली, हाँ इडली सांभर खाती हूँ एंड इट इज अमेजिंग। तो इन्होंने मुझे बताया कि गोकुल प्योर वेज में पाव भाजी भी एक ऐसी डिश है जो बेस्ट सेलिंग है। एक्चुअली मैंने तो सोचा नहीं था पाव भाजी के बारे में क्योंकि मुझे जो इमेज थी वो ऐसा था कि साउथ इंडियन चीज़ें ही अच्छी मिलेगी, बट जैसे ही आप रेस्टोरेंट में एंटर करते हो तो ये एक पाव भाजी का काउंटर है, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी वहाँ से।
और इन्होंने भी बताया, तो मैंने सोचा चलो ट्राई कर ही लेते हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है एंड बहुत टेम्पटिंग लग रहा है ये भी, एकदम जैसे मुंह में पानी आ जाए बिल्कुल वैसी खुशबू आ रही है। सर एक बाइट लेते हैं दिस पाव भाजी। अमेजिंग। आपको पता होगा कि पाव भाजी इज वन ऑफ माई फेवरेट डिशेस, ये बहुत ही अच्छी बनी है। अगेन इट इज मीडियम स्पाइसी, बहुत ज़्यादा तीखी भी नहीं है बट ये फीकी भी नहीं है, एकदम बैलेंस्ड फ्लेवर्स है इसके अंदर। जो भी सब्जियां इन्होंने यूज की है एकदम फाइनली मैश भी नहीं है, बट वो ऐसे एकदम से उसके जो पीसेस हैं सब्जियों के वो भी नहीं दिखाई दे रहे। सो बिल्कुल ये जो टेक्स्चर होता है ना इसका, जो ये कंसिस्टेंसी है, इट इज परफेक्ट। और पाव है ना तो दिस इज नॉट ओवरलोडेड विद बटर, एकदम उतना ही बटर यूज किया है जितना उसको सेकने के लिए चाहिए, थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए। सो रियली लव दिस वन। मुझे सब इधर थाली पसंद है, जो सब्जी मंगता हुआ आता है अपने मन पसंद की, दाल आता है, चटनी आता है। मैं 22 साल से खा रहा हूँ, मैं खाली थाली खाता हूँ, कभी आता हूँ तो थाली खाता हूँ। खाली पनीर टिक्का, या पनीर टिक्का वाज आल्सो वेरी नाइस। उसका हिस्ट्री ऐसा है कि जब 1984 में वो टाइम पे जब थाली होता था तो इट वॉज ओनली साउथ इंडियन थाली, साउथ इंडियन थाली होता था। एंड साउथ इंडियन थाली में कैसा है, आपका फिक्स्ड आइटम्स रहता है, जो आपका पाताल भाजी, सूखा भाजी और राइस बोलो, वो बोलो, जो रहता है वही खाना पड़ता है। सो हमने क्या स्टार्ट किया, हमने पंजाबी थाली स्टार्ट किया। पंजाबी थाली में वी स्टार्टेड गिविंग अराउंड 6 ऑप्शंस, सो वेयर कस्टमर्स कैन सिलेक्ट फ्रॉम 6 ऑप्शंस, दैट इज आलू मटर, चना मसाला, कुरमा, भिंडी, करेला, पालक, ये सब्जी है, यू कैन चूज एनी टू और वो खा सकता है, उनका चॉइस रहता है, वो भी दो सिलेक्ट कर सकते। सो दैट वॉज अ हिट, पीपल लाइक दैट। सो दे कैन लाइक आफ्टरनून को कुछ दूसरा दो सब्जी खा लिया, शाम को कुछ दो सब्जी अलग खा लिया, सो दैट बिकेम अ हिट पंजाबी थाली। तो वो अभी भी चलते आ रहा है, रेट्स आर ऑल्सो वेरी रीजनेबल पंजाबी थाली का। गोकुल प्योर वेज में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग चीज़ है, मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों को खाते हुए देखा है, वो है यहाँ की वेज थाली। उसमें भी दो टाइप्स आते हैं, एक जो सिंपल वेज थाली है उसकी प्राइस है ₹175, दो सब्जी, दाल, चावल, रोटी ऐसे। एंड स्पेशल वेज थाली जो है ये वाकई में स्पेशल है, इसमें तीन सब्जियां आती है, एक तो पनीर की सब्जी होती है और एक अलग चीज़ जो मैंने यहाँ पे देखी है ना, तो डेली मेन्यू में 6 सब्जियां होती है, आप अपनी चॉइस से कोई सी भी दो सब्जियां उसमें से ऑर्डर कर सकते हो अपनी पसंद के हिसाब से। मैंने ऑर्डर की है भिंडी मसाला एंड वेज कुरमा, सो इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। एंड रोटी में आप दो तंदूरी रोटी ले सकते हो, या तो फिर आप 5 पूरियां ले सकते हो, या आप 3 चपाती ले सकते हो। एंड दिस दाल गुलाब जामुन के साथ में फ्रूट सैलेड भी दिखाई दे रहा है मुझे, दही, अचार एंड कांदा, नींबू सब कुछ दिया हुआ है जो यूजुअली दिया जाता है। कस्टमाइज कर सकते हो आप अपनी थाली को ऑर्डर करने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस भिंडी मसाला, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना जो मैंने कॉमनली ऐसे देखी नहीं है, मिलती है कई सारे रेस्टोरेंट्स में बट यहाँ पे अवेलेबल है। यूजुअली अगर आपको भिंडी की सब्जी मिलेगी तो ड्राई सब्जी होती है ना जो प्याज में छौंके बनाते हैं, बट यहाँ पे आप देखो ना तो ये भिंडी मसाला। सो लेट्स टेक अ बाइट एंड सी हाउ इट टेस्ट। भिंडी का तो टेस्ट ऑब्वियसली है ही, भिंडी की वजह से जो इसका मसाला है, रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी होती है ना वैसा वाला मसाला है, तो भिंडी इस ग्रेवी में भी अच्छी लग रही है। या तो ये हमारा एसी सेक्शन है, तो यहाँ पे लोग जिसको पार्टी करना है, छोटा पार्टी 30 सीटिंग, तो काफी लोग आते हैं, बुक करते हॉल काफी टाइम से। मैं आता हूँ, क्या क्या चीजें खाई, पाव भाजी भी खाया है, स्पेशल थाली भी खाया है, वेज थाली भी खाया है। नेक्स्ट टाइम वी ट्राई दिस वेज कुरमा। तो वेज कुरमा में देयर इज अ मिक्स ऑफ वेजिटेबल्स, गाजर है, मटर है एंड देयर इज कॉलीफ्लावर। सो बेसिकली जो ग्रेवी है वेजिटेबल्स के टेस्ट की वजह से जो डिफरेंस आता है ग्रेवी के टेस्ट में, वही डिफरेंस आ रहा है। और साथ में इन्होंने बटर मिल्क भी दिया हुआ है। सो बटर मिल्क भी जो कंसिस्टेंसी है थोड़ी पतली है जैसी होनी चाहिए, एक अच्छी लाइक यू नो लस्सी के जैसी थिक भी नहीं होनी चाहिए और एकदम ज़्यादा वाटरी भी नहीं होनी चाहिए, दैट इज जस्ट राइट। और ये जो स्पेशल सब्जी है स्पेशल थाली में, तो दिस इज मटर पनीर। सो मटर पनीर जो है ये भी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी है, बट इसका टेस्ट हल्का सा डिफरेंट है बाकी दोनों ग्रेवी से। एक टिपिकल नॉर्थ इंडियन ग्रेवी जो रेस्टोरेंट में मिलती है बिल्कुल वैसा ही टेस्ट है। सो दाल को ट्राई करेंगे राइस के साथ में।
and the food was really good, good taste, and almost they have covered everything in this thali. They have given three gravies and dal and a sweet, and food was really delicious. Price wise it is pocket friendly to for us. तो यहाँ पे ये वेज पुलाव सर्व किया है इन्होंने स्पेशल थाली में. तो मटर है इसमें, गाजर है, आई कैन सी होल मसाला, देयर इज फ्रेंच बीन्स एंड दाल के बिना ही इसको पहले ऐसे ही टेस्ट करने वाली हूँ. फ्लेवरफुल है ये पुलाव, तो दाल के साथ खाओगे तो भी अच्छा लगेगा. ऐसे ही खाओगे अगर आप एकदम सिंपल प्लेन पुलाव खाना पसंद करते हो तो आपको वैसे भी अच्छा लगने वाला है ये. एक्चुअली मैं तो इसको मटर पनीर के साथ खाने वाली हूँ, कि मुझे ना ऐसा लग रहा है इसको देख के कि इसके साथ में ये बहुत ही अच्छा लगने वाला है. गिरगांव मोती टॉकीज बहुत फेमस है, गोल गोल मंदिर है, जस्ट वॉकिंग 5 मिनट्स वॉकिंग है, मोती टॉकीज के बैंक ऑपोजिट है होटल गोकुल करके. तो पहले आपको मैं ये फ्रूट सैलेड साथ में दिया है वो भी टेस्ट करके बताती हूँ. क्रीमी है ये, हल्का सा फ्रूट्स है जो क्रंची है, फ्रेश है. Also there's gulab jamun. बहुत ही बढ़िया गुलाब जामुन है, हल्का सा रोज का इसमें फ्लेवर आ रहा है. ये सारा पूरा खत्म करती हूँ उसके बाद में मिलती हूँ. हमारा साउथ इंडियन क्यूजिन होके भी ये अपना जो चाइनीज है, लोग खास करके चाइनीज खाने को आते हैं. स्पेशली अपना जो स्टार्टर है पनीर चिली ड्राई और वेज फ्राइड राइस, मंचूरियन फ्राइड राइस लोगों को काफी पसंद है. मंचूरियन ड्राई तो लोग खास करके खाली स्टार्टर खाने भी आ जाते हैं. आई हैव बीन हियर फॉर द फर्स्ट टाइम गोकुल रेस्टोरेंट, इट्स ग्रेट एंड वी ऑर्डर्ड मंचूरियन व्हिच वाज वेरी नाइस, यू कैन आल्सो ट्राई इट. Good. गोकुल प्योर वेज में चाइनीज फूड भी मिलता है ये मुझे पता नहीं था, यहाँ पे आके ही मैंने मेन्यू में देखा. और एक प्योर वेज रेस्टोरेंट में अगर चाइनीज मिलता हो ना तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ, जब भी मैं फ्राइड राइस या ऐसी कुछ चीज़ें खाती हूँ ना तो जो एग वाली स्मेल आती है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. तो इसके लिए आई प्रेफर हैविंग चाइनीज फूड इन अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ओनली. यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया है सिंगापुर फ्राइड राइस एंड दिस इज वेज मंचूरियन ड्राई मंगवाया है मैंने. तो चलो देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है. मंगवाया है पनीर लावदार, वो अच्छा है, लास्ट टाइम में भी मैंने खाया था, बहुत टेस्ट अच्छा था. ये मैंने थोड़ा सा मंचूरियन और उसकी ग्रेवी डाल ली है सिंगापुर फ्राइड राइस में. वाओ, इट्स अमेजिंग. तो चाइनीज फूड भी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, स्पेशली राइस मुझे बहुत अच्छा लगा. इसमें ना कैश्यू डाला हुआ है, फर्स्ट बाइट में वो कैश्यू आ गया ना वो मैं थोड़ा सा क्रंच आ रहा है राइस में जो अलग लग रहा है. एंड कुछ अलग सा इसमें तड़का डाला हुआ है, ये बड़ी सी मिर्च दिखाई दे रही है. साथ में सर्व किया ये शेजवान चटनी. शेजवान चटनी एक्चुअली मैं खाती नहीं हूँ, मुझे इतनी पसंद नहीं है. ये ऐसे ही बहुत अच्छा लग रहा है. ड्राई मंचूरियन है ना इसका भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया है. वो जिंजर गार्लिक का जो बैलेंस है वो बिल्कुल सही है, जो गार्लिक है वो ऐसे ओवर पावरिंग नहीं हो रहा है इसमें, और बहुत अच्छे से फ्राइड है. ये जो आउटर इसका जो लेयर है ये क्रिस्प हो गया है, अंदर से सॉफ्ट है. और ये जो थिक ग्रेवी इसके साथ में इन्होंने सर्व की है ना इसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आ रहा है. सो आई रियली हैड अ वेरी नाइस टाइम हैविंग फूड ओवर हियर. जो भी चीज़ें खाई ना, सो इट्स अ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट. और ऐसा नहीं है कि वन साइडेड आप सिर्फ साउथ इंडियन ऑर्डर करो वही अच्छा मिलेगा. मुझे यहाँ पे बटाटा वड़ा बहुत ही अच्छा लगा, देन आई लाइक द पाव भाजी टू. Chinese food is amazing. और जो इनकी वेज थाली है ना 230 रुपीज़ में आपको ये स्पेशल वेज थाली मिल रही है जिसमें इतने सारे आइटम्स हैं, और मैं तो अकेली पूरा खा भी नहीं सकती हूँ, मतलब पेट भरने से भी ज़्यादा है इतना है इसमें. सो जितना खा सकती हूँ उतना खा लिया, बाकी का पार्सल कर लिया है, और बहुत मज़ा आया. आई होप आपको भी वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया होगा. अगर आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, कमेंट कर देना आज के वीडियो में आपको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी है, शेयर कर देना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना. जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खाओ पियो एंजॉय करो.